नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मेल टीवी। फतेहाबाद जिला के नवनियुक्त पुलिस कप्तान सुरेंद्र भोरिया ने अपनी प्रथम प्रेस वार्ता में अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए दो टूक कहा कि पुलिस में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस नशे के डिमांड घटाने के लिए काम करेगी और महिला विरुद्ध अपराध मामलों में पुलिस पूर्णतया गंभीरता से कदम उठाएगी। पहली प्रेस वार्ता में पुलिस कप्तान को सवालों की बौछार झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि वह टीम के तरह काम करेंगे। अपराध से निपटने के लिए पुलिस, जनता और मीडिया को एक टीम की तरह काम करना होगा। जनता के सहयोग के बिना अपराध पर नियंत्रण करना संभव नहीं है। एसपी बोले, उनकी कोशिश रहेगी कि वह जिलावासियों को ऐसा एनवायरमेंट दे जिससे वह स्वयं को सुरक्षित फील करें। एसपी सुरेंद्र भोरिया बोले, हम अच्छे लोगों के साथी हैं लेकिन अपराधियों के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि लोगों की थाने चौकी में ही सुनवाई हो, लोगों को एसपी ऑफिस आने की जरूरत न पड़े। तो जो पहली प्रायोरिटी है पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस फतेहाबाद की तरफ से, वो यही है कि एज अ टीम हम सब ने काम करना है, चाहे वो फतेहाबाद की जनता हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, मीडिया वाले हो, हम सभी एक टीम की तरह काम करेंगे तो ही इसमें जनता की भी भलाई है, समाज की भलाई है और हम सभी का इसमें फायदा है। और जो प्रायोरिटी है पुलिसिंग की, पहली प्रायोरिटी है कि एक अच्छा माहौल मिले, एक सुरक्षित और सेफ एनवायरनमेंट पूरे डिस्ट्रिक्ट में जनता फील करे और ये मान के चले भी पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए और हम सब साथी हैं। लेकिन साथी केवल जो अच्छे लोग हैं उनके हैं, जो अपराधी किस्म के आदमी हैं या जिनको कानून व्यवस्था मानने में दिक्कत है उनके हम सबसे बड़े दुश्मन रहेंगे। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के CT स्कैन किए जाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन, फतेहाबाद।